हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। मेरा नाम है बॉबी कलबुर्गी, मैं कर्नाटक से हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी आपको थोड़ा अजीब लगेगा। चलिए इसी के साथ अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़े साल पहले हिंदुस्तानी संगीत का अभ्यास कर रहा हूँ, थोड़े साल पहले मैं सीखने का मैंने शुरू किया है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सीखते टाइम पे जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस किए उसका सोल्यूशन मैंने लिया है, किस तरह से सोल्यूशन लिया, ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बेसिक सी चीज़ें बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा है, बिल्कुल इतना बेसिक में कोई भी नहीं बताया। सब लोग बंदिश राग ये वो बोल के आपको बहुत बड़े बड़े नाम से हैवी वर्ड्स लेके टेंशन दे देते हैं। तो बेसिक से चीज़ें सीखना है तो सिर्फ बेसिक लेवल में आपको सीखना पड़ेगा। मैं भी इतना बड़ा पंडित नहीं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो मैं सीखते सीखते आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कुछ और सीखना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए, मैं भी सीखना चाहता हूँ, आपको भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद। आपको जो भी लगे, सजेशंस हो या कमेंट कुछ भी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का सबसे पहला वीडियो शुरू करते हैं। संगीत, संगीत क्या है? संगीत जो भी आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है सुनने में, आपको बार बार सुनने का मन करता है, वही संगीत है। नृत्य, गायन और वादन, ये सब संगीत ही है। तो आपको सरगम क्यों प्रैक्टिस करना है? अगर आप इस चैनल पे है, अभी आप देख रहे हैं, तो ज़रूर आप गाने के शौकीन होंगे, आपको फिल्मी गाने गाने का शौक होगा या आप गाना चाहते हैं। तो सरगम क्यों प्रैक्टिस करना है ये आपको मैं बताऊंगा, और तानपुर हारमोनियम के साथ ही क्यों प्रैक्टिस करना है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, ये आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे बताया नहीं, बताया भी होगा मैंने उतना ऑब्जर्व नहीं किया, फिर भी मैंने ढूंढा है इसके बारे में, इसके बारे में मैंने किधर भी नहीं पढ़ा है, किधर भी नहीं देखा है। तो इसीलिए मैं ये बेसिक सी चीज़ें शुरू करना चाहता हूँ आपको। ये जो मेरे वीडियोज़ है, जो ज़ीरो से म्यूज़िक शुरू करे हैं, जो बिगनर्स हैं, या आप बच्चों के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो बिगनर्स हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखने का इंटरेस्ट है उनको, तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं तीन चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों सरगम प्रैक्टिस करना है, क्यों तानपुर और हारमोनियम के साथ करना है, और मैंने एक बेसिक सा छोटा सा एक मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा आपके गले के लिए। बस ये तीन चीज़ें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, अंत तक मेरे इस वीडियो पर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सरगम क्यों प्रैक्टिस करना है। अभी आप गाना गाते हैं तो उसमें ये इसी सरगम का सब मेल रहता है, इसी सरगम को, सरेगम पदनिशा को एक सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज करके एक गाना बनता है। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। आप सरगम को प्रैक्टिस करेंगे तो हर गाना आप आसानी से गा सकते हैं। दुनिया का हर गाना, जो भी आप इस जिस देश का भी गाना सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया, चीना, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, जो भी आप गाना, रैप हो, फोक हो, कुछ भी स्टाइल का आप गाना सुनेंगे, यही सात सुरों में रहेगा, ऑक्टेव बोलते हैं, तो सप्त स्वर इसी में रहेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हर गाना आगे आसानी से गा सकते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपका जो भी मनपसंद गाना हो आप रिकॉर्ड करके रख लो। मैं जो भी बोल रहा हूँ, एक महीने तक आप ये हर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान में रख के, आप प्रैक्टिस करने के बाद उसी गाने को फिर आप प्रैक्टिस के बाद आधा घंटा से एक घंटा प्रैक्टिस हर रोज करने के बाद उसी गाने को फिर से रिकॉर्ड करके, उन दोनों का डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, वही आपके लिए प्रूफ रहेगा कि क्यों सीखना है। चलिए पहला एग्जाम्पल, सरगम क्यों गए। ये आसान सा गाना मैं इधर ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसीलिए
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये सिर्फ तीन सुरों में बसा हुआ है। स रे ग, इन्हीं तीन सुरों में ये गाना बज रहा है। स रे ग रे ग रे ग रे स रे ग रे ग रे स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, इसी तीन सुर में ये गाना बना है। मीन्स ये जो एक से तेरह तक काउंट का गाना है इस तीन सुरों में बज रहा है। आप सुरों को प्रैक्टिस करेंगे तो हर गाना समझ पाएंगे और गा पाएंगे, इसीलिए आपको सुरों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन है। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे आपका बिल्डिंग कैसा रहना है क्या पहले प्लान करते हैं, उसके हिसाब से आप बुनियादी मीन्स फाउंडेशन डालते हैं घर के लिए। तो ये सरगम का प्रैक्टिस फाउंडेशन है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आप किस तरह का भी गाना आसानी से गा सकते हैं आगे। और क्यों ये तानपुर के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप गाते समय आपके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा हो या करो के सॉन्ग के साथ आप गा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम तबला कीबोर्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके साथ बज रहा है तो एक पर्टिकुलर पिच में बजता है। आप उसी पिच में सुर को सुर मिला के गाएंगे तो आपका हर गाना अच्छा लगेगा, बेहतरीन उसका प्रेजेंटेशन रहेगा। अगर आप अलग अलग पिच में बजा रहे हैं, कोई भी कोई पिच में गा रहा है कोई दूसरे पिच में बजा रहा है, तो गाना सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा और इसका मतलब भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको पिच का प्रैक्टिस करने के लिए ये तानपुर और हारमोनियम का आधार लेना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, आज उसके साथ क्यों प्रैक्टिस करना है ये बताता हूँ। ये मैं ब्लूटूथ का मेरा स्पीकर है तो इसके साथ मैं कनेक्ट करके मैं तानपुर बजा रहा हूँ। तो ऐसा आप इसके साथ प्रैक्टिस करना है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अगर जाते हैं तो पहले पूछते हैं आपका पिच कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा मैं सी शार्प में गाता हूँ या डी शार्प में या काला वन काला टू उजला कीज में या ब्लैक कीज में आपको मेंशन करना पड़ता है, तभी वो उस तरह का म्यूज़िक बना के आपको गाना गवाएंगे। आप पिच का ही आप बताएंगे नहीं तो आपका गाना आप एक्सपीरियंस कर लेंगे आगे ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा। तो इस तरह आप पिच के साथ प्रैक्टिस करने से आप इस तरह का प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। जो गाना बज रहा है तो उसके साथ आप गा सकते हैं सुर में सुर मिला के, और जो भी वाद्य बज रहा है चलिए उनको बता सकते हैं कि मैं सी शार्प में गाऊंगा तो सब इंस्ट्रूमेंट सी शार्प में अपना सेटअप करके वो बजाएंगे। तो आप भी सी शार्प में गा रहे हैं वो भी सी शार्प में गा रहे हैं, तभी आपका गाना हिट होगा, सुनने में सबको अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको पिच का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अब मैं आपके साथ एक बेसिक सी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप प्रैक्टिस करना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे मैं सरगम आगे मैं आपको सब डिटेल में बताते जाऊंगा धीरे धीरे, मैं एग्जांपल के साथ आपको मेरे साथ गाते गाते आपको गवाऊंगा, इस तरह का मेरा प्रैक्टिस रहेगा। इसके साथ हमिंग या ओंकार हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले सुर को सुर मिलाना है, सुनेंगे ध्यान से। ये मैं स हमिंग कर रहा हूँ, स। तो आपको तुरंत पहले ही स नहीं गाना है, हमिंग या ओंकार गा के उसके बाद आपको स पकड़ना है। तो पहले पहले आपका आवाज़ थोड़ा कांपेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट नोट में बिना हिलाए स्ट्रेट नोट में अचल होकर आपको उसको सुर से सुर मिला के गाना है बस। और जितना आपका सांस लंबा है उतना आप पकड़ के, जितना आपका सांस लेने का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप जितना लंबा हो उसके उतना गाएंगे तो ये बेस्ट एक्सरसाइज माना जाएगा। चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए एक बार।
दूसरा एक्सरसाइज ओम का, इसमें ओम भी आएगा हमिंग भी आएगा, आधा ओम करना है आधा हमिंग करना है। चलिए मेरे साथ एक बार दोहराए, ये दो एक्सरसाइज आपको आधा घंटा से एक घंटा तक करना है। अगर आपको तानपुर के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरह प्रैक्टिस करना है और ये लिंक किधर मिलेगा ये ऐप। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप जो एक्सरसाइज मैंने बताया आज, तो आप उसको हर रोज आधा घंटा से एक घंटा प्रैक्टिस करना है। ये दो एक्सरसाइज ये आपके गले के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप जैसे जिम करके अपना मसल्स स्ट्रांग करते हैं बॉडी का, तो इसी तरह ये एक्सरसाइजेस है कुछ, आपका गले का मसल स्ट्रांग करेंगे, आपका आवाज़ को एकदम स्ट्रांग बनाएंगे। तो इसके साथ चलिए आज का वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।